नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल दिन शनिवार से हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और नवमी तक चलती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना परम सुखदायी है और नवरात्रि माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। माना जाता है कि इस दिन देवी माँ धरती पर अवतरित होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इन दिनों में हर कोई चाहता है कि देवी माँ उसके घर विराजे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में कुछ खास चीज़ें मौजूद रहेगी तो इस बात के चांस अधिक है कि माता रानी आपको आशीर्वाद देने आपके घर में प्रवेश करेगी ही नहीं। इसका कारण यह है कि आपके घर में मौजूद ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। इससे आपका घर इस नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जहाँ नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है वहाँ माता रानी को जाना पसंद नहीं होता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि नवरात्रि आने से पहले आप इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल फेंके। तो दोस्तों, पहला है धूल और मकड़ी के जाले। वैसे तो आप अपने घर में झाड़ू पोछा रोजाना ही करते होंगे और आपको लगता होगा कि आपका घर साफ सुथरा है, लेकिन घर में कई ऐसे कोने होते हैं जहां रोजाना सफाई नहीं हो पाती है। घर में कई सामान होते हैं जिनके पीछे धूल जमा होती है या मकड़ी के जाले बने रहते हैं। ऐसे में आपको नवरात्रि आने के पहले अपने घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों को निकाल फेंकना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है देवी देवताओं की खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या फटा हुआ चित्र को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मूर्ति और चित्र दरभगी लाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति का ना ही पूजा करें और ना ही घर में रखें, क्योंकि उसे घर में रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा है बंद घड़ी। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है जो चल नहीं रही या खराब हो चुकी है तो उसे ठीक करवा ले। यदि वो ठीक ना होती हो तो उसे घर से निकाल दे। बंद घड़ी घर में रखने से दुर्भाग्य आता है, ये नेगेटिव एनर्जी का सोर्स भी होती है। दोस्तों, चौथा है टूटा हुआ आईना। कई लोगों की आदत होती है कि आईना के टूट जाने पर भी उसे घर में रखे रहने देते हैं। वास्तु के माने तो टूटा आईना भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इसे घर में लगाना अब शगुन भी होता है। ऐसे में इसे भी नवरात्रि के पहले घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, पांचवा है टूटा हुआ फर्नीचर। वास्तु के हिसाब से घर में कभी भी टूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है जो धीरे धीरे घर के सदस्यों में भी आने लगती है और घर में लड़ाई झगड़ा होता है। माता रानी ऐसे माहौल में भी आना पसंद नहीं करती है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर के सभी टूटे फर्नीचर या तो ठीक करवा ले या इन्हें घर से निकाल दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय दुर्गा माता।